डायडियोक्लोट एजसोन। टेट्रस के प्रकार। टेट्रस के प्रकारों में निम्नलिखित शामिल हैं। एक, ब्लैक टेट्रा जिम्नोकोरिम्बस टेनेटसी, जिसे पेटीकोट मछली या ब्लैक मूर के रूप में जाना जाता है, एक गहरी शरीर वाली मछली है जो लंबाई में लगभग 4.75 सेमी 1.5 से 3 इंच लंबी है। ये युवा होने पर अपने पृष्ठीय और इन भागों पर काले के साथ चिन्हित है। मछली की बड़े होने के साथ काले रंग के धूसर हो जाते हैं। ब्लैक विडो टेट्रा की अन्य प्रजातियां गोल्डन स्कट टेट्रा, लॉन्गटिन ब्लैक स्कट टेट्रा और रंगीन स्कट टेट्रा हैं। इसी तरह की अन्य प्रजातियां हैं जो इन मछलियों की तरह दिखती थी और अक्सर इस मछली के लिए गलत होती थी। उदाहरण के लिए ब्लैक टेट्रा जिम्नोकोरिम्बस थारी और सोकोलोपी टेट्रा जिम्नोकोरिम्बस सोकोलोपी। ये प्रजातियां अक्सर एक्वेरियम व्यापार में दूसरों की तरह उपलब्ध नहीं होती है, नहीं वे मूल ब्लैक विडो टेट्रा के रूप में प्रसिद्ध है। ब्लैक विडो टेट्रा की विशेषता काले पृष्ठीय और गुदा पंख हैं, जो आसानी से मान्यता प्राप्त हैं। एक स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाला रंग भिन्नता है, जो सफेद से गुलाबी रंग का हो सकता है। कैप्टिव प्रजनन कई अलग अलग रंगीन उपभेदों के साथ साथ लंबे समय से भिन्न किस्मों का उत्पादन कर सकता है। रंजक के साथ बनाए गए अन्य पेस्टल रंग के नमूने हैं। इन मछलियों को रंजक के साथ हासिल किया गया है। मरने की प्रक्रिया अक्सर मछली के लिए तनावपूर्ण होती है, जो उनके जीवनकाल के लिए खतरा पैदा करती है। ये मछलियाँ केवल इस हानिकारक और अनैतिक अभ्यास का समर्थन करने के लिए काम करती हैं। इन मछलियों को 6 या अधिक के समूह में सबसे अच्छा रखा जाता है, जिससे वे अपने शांतिपूर्ण स्वभाव के कारण एक उत्कृष्ट सामुदायिक मछली बन जाते हैं। उन्हें किसी भी भोजन पर खिलाया जा सकता है, जिसमें ताज़ा जीवित, ताज़ा फ्रिज सूखे या परत वाले खाद्य पदार्थ शामिल हैं। उन्हें देने के लिए सबसे अच्छा भोजन ब्राइन झींगा, उच्च गुणवत्ता वाले परत वाले खाद्य पदार्थ, नमकीन झींगा और किसी भी प्रकार के कीड़े हैं। इस मछली की पुरुष प्रजातियां जो बड़ी हैं, एक क्षेत्र का दावा करती हैं कि वे अपने स्पॉनिंग अवधि के दौरान गाद करेंगे। स्पॉनिंग होने के तुरंत बाद माता पिता को हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे जल्दी से अंडे का सेवन करें। कई छोटी चसेफॉर्म मछलियों को दिया गया नाम है। टेट्रास की उत्पत्ति अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका से हुई है, जो जैविक परिवार चरासीडे से संबंधित हैं। दुम के पंख और पृष्ठी के बीच का छोटा वसा पंख चरासीडे को अन्य मछलियों से अलग बनाता है। इसके कुछ उदाहरण नियॉन टेट्रा पैराचेरोडोनेसी है, जो चमकीले रंग के होते हैं और संग्रहित करने में आसान होते हैं, इसलिए उन्हें एक वेरियम टेट्रा मछली माना जाता है, और घरेलू एक्वेरियम के लिए ये काफी